ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप एक मिनट में जान सकते हैं कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, एक मिनट में जान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं। मेरे पास जो साधक आते हैं उनके अनुभव भी बताऊंगा और अपने अनुभव बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आप किस प्रकार आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि आप पूजा किसकी करते हैं, आपके इष्ट कौन हैं। मान लिया मेरे इष्ट हैं भगवान शिव, भगवान शिव की आप भक्ति करते हैं तो जरूरी नहीं कि भगवान शिव की ही शक्ति आपके पास आएगी, भगवान शिव की ही शक्ति आपके पास आए। आप माता महाकाली की भक्ति करते हैं, आप माता मदन की भक्ति करते हैं, आप श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आप शीतला माता की भक्ति करते हैं, माता दूतनी की भक्ति करते हैं, माई बसंती की भक्ति करते हैं या अपने पितरों की भक्ति करते हैं, किसी की भी भक्ति करते हैं, जरूरी है कि उन्हीं की शक्ति आपके पास आए। जब आप सच्ची श्रद्धा से किसी की भक्ति करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो राह से चलने वाली या उस स्थान पर रहने वाली कोई भी दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो सकती है। कई बार आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, आपके श्रद्धा भाव को देखकर भक्ति आप श्री हनुमान जी की करते हैं और आप तीर्थ स्थान पर गए माता महाकाली के, या आप बालाजी धाम चले गए, तो आपके पास वहां से कौन सी शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होकर आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्ति आप किसी की भी करते रहे हो तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ये पता नहीं लग पाता कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, कौन सी शक्ति मेरे ऊपर मेहरबान है। तो इसके विषय में कैसे पता लगता है, कैसे आप ये जान सकते हैं? 99% भक्तों को यही नहीं पता होता कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, किस शक्ति की अनुकंपा मुझे प्राप्त है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट लक्षण तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब साधक, चाहे वह किसी की भी भक्ति कर रहा हो, लेकिन जो शक्ति उसके पास आती है वह स्वप्न में संकेत अवश्य देती है। स्वप्न में आपको वह अवश्य दिखाई देगी, स्वप्न में उससे संबंधित स्वप्न आपको अवश्य दिखाई देंगे। ये पहला लक्षण सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। जो भी शक्ति आपके पास आ रही है उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मुझे अक्सर स्वप्न में दिखाई देता था कि मैं दिखाई देता अभी भी दिखाई देता है कि मैं गदा मेरे पास रखी हुई है और मैं उड़कर यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, कभी कहीं जा रहा हूं उड़ के, कभी कहीं जा रहा हूं, कभी कहीं जा रहा हूं, लोगों की समस्या का समाधान कर रहा हूं। ये मुझे अक्सर दिखाई देता है। दूसरा, अक्सर मुझे स्वप्न में दिखाई देता है कि मेरे अंदर माता महाकाली आई है, मैं किसी को झाड़ रहा हूं, किसी के दुख तकलीफ के बारे में बता रहा हूं, मैं अचानक कहीं जा रहा था, रास्ते में कोई अचानक कोई मिल गया और अचानक से देवी शक्ति कोई आ गई और उसको मैंने बता दिया। ये तो स्वप्न की बातें हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष भी मेरे साथ होता है, प्रत्यक्ष भी होता है ये तो। या फिर मैं बैठा हूं कहीं, अचानक से कोई बात चल रही है और घर परिवार की कोई दुख तकलीफ के बारे में, अपने बारे में कोई बता रहा है, अचानक से कोई शक्ति आई और आकर उसके बारे में बहुत कुछ बता देना और मुंह से बोल देना कि मैं माता मदानन हूं, मैं माता मदानन हूं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पता लग जाता है कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शक्ति बोलते कुछ हो रहे कि मैं अमुक शक्ति हूँ, अमुक शक्ति हूँ, अमुक शक्ति, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। वास्तव में कई बार एक भूतड़ी भी आकर बैठ जाती है और बताती है कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ। कई बार कोई पितृ भी आकर बैठ जाता है और बताता है कि मैं ये हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं ये हूँ और वो हूँ, फलाना, पता नहीं क्या क्या बताती देती है। तो ऐसी स्थिति में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में शक्ति आ कौन सी रही है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, कोई अच्छा पवित्र दिन आप देखिए। उस पवित्र दिन में आपने करना क्या है, सर्वप्रथम तो आपको शाम के समय दरिया पर जाना है, जल देवता के पास जाना है। आपने एक हाजिरी तैयार कर ले जानी है, जिसमें आपने एक हलवे का जो दोना होता है उसके अंदर एक पान का पत्ता, डंडी वाला, पांच पत्ता से दो लोग आपने उस जलते हुए दरिया में आपने देकर आने, उससे प्रार्थना करनी है कि मेरे पास जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी दिव्य शक्ति है उसको आज मेरे पास भेजो और मेरे से वार्तालाप करो, मुझे वह दिखाओ। वहां से आकर आपको दोबारा अपने गांव के जो शेख कृपाल होता है, जो खेड़ा होता है, उस पर आपको यही हाजिरी देकर आनी है। अब सिटी में शेख कृपाल कुछ लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है, तो वो भगवान शिव के मंदिर में जाता है, शिवलिंग के पास कार्तिकेय का स्थान होता है, भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का, तो वहां पर वह हाजिरी रखकर आ सकते हैं। अब आपने घर में आकर क्या करना है, आपने घर में मिट्टी के दो दीपक जलाने हैं, एक सरसों के तेल का, एक देसी घी का, दो दीपक आपने जलाने हैं
और उपले आपने ले लेने हैं। उपले क्या होते हैं? उपले होते हैं गाय के गोबर से बने हुए उपले, उनका आपको ले लेने हैं। दोनों दीपक आपको जला लेने हैं, उस पर धूप उठानी है आपने। वह जो दीपक है उसमें जो सरसों के तेल का दीपक है वह आपके घर की कुल देवी या देवता का है। जो देसी घी का दीपक है वह उस देवी शक्ति का जो आपके पास आ रही है। दो दीपक आपने जलाए हुए हैं। कुछ मिठाई आपको अपने पास ले लेने, लड्डू ले लें, बर्फी ले लें, मिठाई कोई भी ले लें, उसमें से दो मिठाई आपको सर्वप्रथम अपने पितरों के नाम के भोग वहीं पर आपको दोने में लगा देना है। दूसरे दोने में आपने दो लड्डू आपने अपने कुल देवी देवता के नाम से लगा देना है। फिर दो लड्डू आपने निकालने हैं, वह आपने जो अपने अपने जो आपका इष्ट है चाहे वो कोई भी हो उस इष्ट के नाम से आपको निकालने हैं। अन्य जिसकी भी आप पूजा करते हैं सभी के नाम का आपको दो दो लड्डू वहां पर या दो दो मिठाई आपको निकाल लेने हैं। फिर आपके मेन चीज आती है कि आपने कुछ मिठाई आपने उस अज्ञात देवी शक्ति के नाम से निकालनी जो आपके पास आ रही है, और वहीं सब उस अज्ञात शक्ति के नाम से जो भोग आपने निकाला वहीं पर उसी अंगारे पर भोग लगाना है। जो कुलदेव या देवता का भोग आपने निकाला है, दो लड्डू अलग या दो मिठाई कोई भी निकाली है, वह भी वहीं पर आपने लगाना है उस अंगारे के ऊपर, और वहीं पर उनसे प्रार्थना करनी है। दो चार बार आपको बार बार प्रार्थना आपको दो चार बार आप प्रार्थना करें कि मेरी कुलदेवी, हे कुलदेवता, हे देवी, आप मुझे दिखाएं कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। आप मुझे मेरे स्वप्न में उनसे वार्तालाप कराएं कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है। तो दो चार बार आपको ये बात बोलनी है वहां पर, और कुछ देर बैठकर वहीं पर ध्यान करना है आपने अपने इष्ट को प्रार्थना करने के, इष्ट देव जो भी जिसकी आप पूजा करते हैं कि मुझे आज जो भी दिव्य शक्ति मेरे पास आ रही है मुझे वह दिखाए, उससे मेरी वार्तालाप करें। यह प्रार्थना करने के बाद आपको उसी कमरे में उसी रूम में आपको सोना है, वहीं पर सो जाना है। ध्यान रहे कि आपके साथ कोई मेहमान इत्यादि आपके साथ न सो रहा हो, उस समय आपके साथ कोई नहीं सोना चाहिए। और उस दिन आपको अपवित्र भी नहीं रहना, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए उस कमरे में शयन करना है। गलत विचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और मांस मदिरा का भक्षण इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पवित्र भाव से। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति व्यभिचारी भी होते हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं और फिर ऐसे ऐसे क्रिया करते हैं, उनकी सफल नहीं हो पाती। तो जो व्यक्ति व्यभिचारी होता है दूसरी की बेटी को बेटी नहीं समझता, दूसरी की बहू बेटी बहन पर गलत दृष्टि डालता है, उसे ये चीज़ें कभी प्राप्त नहीं होती, कभी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। मिलता है तो तुरंत उस कुछ समय बाद उसके वह शक्ति विहीन हो जाता है। किसी पुण्य को कारण मिल तो जाती है लेकिन वह जल्दी ही उसके पास से चली जाती है, क्योंकि जिस देवी शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं उसी देवी शक्ति के रूप भी वे महिलाएं हैं जिसको हम माता बहन बोलते हैं, दूसरे की बहू बेटियां हैं वो भी उसी का स्वरूप है। यदि हम उनके ऊपर गलत दृष्टि डालेंगे तो हमें दिव्य शक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, वो शक्ति हमें कभी मेहरबान नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर भी उसी देवी शक्ति का अंश भूत है। तो सर्वप्रथम तो अपनी दृष्टि को साफ रखें। जब तक आपकी दृष्टि में विचार सही नहीं होंगे, जब तक आप दूसरी महिला स्त्री को देखकर विचार आपके सही नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की भावना को रखते हुए देवी सिद्धि के बारे में सोचता है तो सीधी सिद्धि जबरदस्ती ज़्यादा मेहनत करने से मिल तो जाती है लेकिन ज़्यादा देर अस्थायी नहीं रह पाती। तो इस तरह के प्रयोग को आप करें, उसी रात्रि में आपको स्वप्न में आपसे वो दिख जाएगा आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। फिर उसी दिव्य शक्ति को आप श्रद्धा भाव से और अच्छी तरीके से नियम से आप उसकी भक्ति करें तो आपको वह रास्ता देना प्रारंभ हो जाएगा, सब कुछ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये विधान होता है, इस तरीके को करें और आप खुद ही जान सकते हैं आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति है। सभी भक्तों को जय श्री राम।